तो इसके पहले वाले क्लास में हमने देखा क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और बायोट सावर्ट होता कैसे, क्या होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और उसके सारे टर्म को जाने कि क्या क्या टर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना क्या निकालना है, पहला पार्ट कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन है। गिवन क्या है, एक वायर है, ठीक है, कुछ लेंथ का, फिक्स लेंथ का है, लेंथ नहीं दिया हुआ क्योंकि अपने को जरूरत नहीं है, दिया हुआ रहता तब भी जरूरत नहीं है। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, ये क्या है, ए क्या है, ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, यहां पर पॉइंट पी है, इस पर आपको निकालना है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर कैरिंग करेंट आई। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पे, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ड्यू टू करंट कैरिंग, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, ठीक है, ये चीज आपको करना है, ये क्वेश्चन बोलना है कि ये पार्ट आपको करना है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम द वायर ड्यू टू करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट आई, हैविंग करंट आई, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब क्या करो आप, एक काम, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन था अपना, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो जैसे ये, इसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और ध्यान देना कि ये मैंने मिड पॉइंट नहीं लिया, ये बाइसेक्टर नहीं लिया, ठीक है, तो ये दोनों का लेंथ अलग अलग होगा, ऊपर अलग होगा, नीचे अलग होगा, इसलिए इसका एंगल भी यहाँ पे अलग अलग होगा। इस एंगल को मान लो अल्फा और इस एंगल को मान लो बीटा, यहां से हम इधर ले रहे हैं और ये इधर से इधर ले रहे हैं, ये हमारा एक्सिस हो गया, इसको एक्सिस मान के चलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अब एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, स्मॉल एलिमेंट, और इस एलिमेंट को बोलेंगे आई डी एल, यहां से ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये आर डिस्टेंस होगा, क्या डिस्टेंस होगा, आर, है ना, क्योंकि हमको लगाना है बायोट सावर्ट लॉ, तो एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए, उसके कारण निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा, इस एंगल को क्या बोल रहे हैं लोग, थीटा। अब देखो यहाँ पे हम लोग छोटा सा ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है, ये लेंथ एल ले लेके चले हैं यहाँ से, ठीक है, ये जो छोटा ट्रायंगल है ये हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, ये इस तरीका से हमने लिया, ये वायर है ना, ये थीटा, इसी डायग्राम को हमने यहाँ बना दिया, ठीक, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया, कहाँ पे, इस जगह पर ये स्मॉल एलिमेंट ले लिए, इसी के कारण निकाल रहे हैं, ये आइडियल है, और ये डीएल ले, सॉरी
ये डीएल लेंथ है, तो ये क्या हो गया कंप्लीट, हम इसको एल मान लो, ये एल लेंथ हो गया, ये आर ए हो गया और ये आर दिया होगा, ठीक है, ये इस तरीका से यहाँ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो अब ये तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखेंगे हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं डीबी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और आईडीएल साइन थीटा, सही है, यहाँ पे थीटा ही एंगल लेके चल रहे हैं क्योंकि आर और किसके बीच में, ओके सॉरी नहीं, ये एंगल लेना है आर और आईडीएल के बीच में एंगल देते हैं हम लोग, तो ये एंगल लेना है, ये एंगल क्या होगा बताओ, कोई भी बताओ, जैसे यहाँ देखो ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर से ध्यान देना, हम लोग बायोट सावर्ट लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे लिखता है इधर इस साइड पे, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन आर एंड डीएल, तो डीएल देखो इधर है आर इधर है, ये एंगल लेना पड़ेगा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो वही लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा फिर, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, आईडीएल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये छोटे एलिमेंट के लिए, टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा अपना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डीवी को इंटीग्रेट करो, है ना, कहां से 0 से b मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, यहां पर इंटीग्रेट करेंगे किसके टर्म में, एंगल के टर्म में कर देंगे हम लोग, किसके टर्म में करेंगे, एंगल के टर्म में, देखो इधर से ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या लेते हैं, निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो बीटा से लेके माइनस अल्फा तक जाएगा, बीटा से लेके नीचे से लेके ऊपर तक या ऊपर से लेके नीचे तक, जहां से मन करे वैसे ले लो लिमिट, ठीक है, बस प्लस माइनस का अंतर आएगा, हमने क्या किया पहले नीचे वाला लिमिट लिया, उसको इनिशियल लिमिट मान लिया बीटा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, और ऊपर क्या है क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस में कर दिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो डीएल टर्म भी क्या है, वेरिएबल है, आर भी टर्म क्या है, वेरिएबल है, तो अपने को डीएल और आर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग आर को यूज करके क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा, वो तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा यदि लिखना रहेगा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट साइड क्या है, ए अपॉन आर, है ना, तो आर की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बाय कॉस थीटा, मतलब ए सेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा, ये बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखो टेन थीटा यदि लिखना हो क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड एल अपॉन एडजेसेंट साइड ए, हो जाएगा ये एल बाई ए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए टेन थीटा इज इक्वल टू एल, तो यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ए इक्वल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देख लो एल इक्वल टू क्या मिला हमें, ए टेन थीटा, ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ क्या हो जाएगा डी एल बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो हमने देखा क्या टेन थीटा इक्वल टू एल बाई ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए टेन थीटा इक्वल टू एल, तो एल इक्वल टू ए टेन थीटा आया, तो डिफरेंशिएट कर दो थीटा के टर्म में डी एल बाई डी थीटा, तो ए की जगह पे ए हो जाएगा, टेन का क्या होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ देखो तो डी एल की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग,
ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है ये चीज, ये समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक सब नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा तो अपने को जो जरूरत पड़ा वो क्या जरूरत पड़ेगा यहाँ पर, मैं दोबारा लिख रहा, यहाँ फिर से ध्यान देना। हमने एक आर के जगह पे क्या लिखा, ए सेक थीटा, ए सेक थीटा ये चीज लिख दिया। आर के जगह पे ये लिख देंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, ठीक है। और डीएल के जगह पे क्या निकाल दिया हम लोग यहाँ पर, ए सेक स्क्वायर डी थीटा लिख देंगे ऐसे, ठीक। अब ये पूरा मिटा दूं मैं, यहाँ तक नोट डाउन हो ही गया है, ऊपर मैंने लिख दिया जो चाहिए अपने को, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे ले चलते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग इस साइड लेके जाते हैं, डीबी को इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिल जाएगा बी, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, मैं लिख रहा बी हो जाएगा। और क्या है वहाँ पे, म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर कर दो, आई भी कॉन्स्टेंट है बाहर करो। अब देखो उधर है ना, या आप इंटीग्रेशन मार ही लो अभी, बाद में हम लोग बाहर निकालेंगे जो कांस्टेंट है, कर दिए ये काम, ठीक है। आई डीएल की जगह पे लिख दो क्या लिखा है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा मिला यहाँ पर। अब पहुंच, और क्या है आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, देख लो आर की जगह पे ए सेक थीटा है तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ध्यान देना यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है देखो, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक ए वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या बच गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, ये कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया कॉस थीटा डी थीटा हो गया। लिमिट क्या रखना है, बीटा से माइनस अल्फा, बस आपको ये वाला इंटीग्रेशन करना है आ जाएगा आंसर, ये वाला इंटीग्रेशन कर दो आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा का क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको यहाँ तक नोट डाउन सभी लोग कर लो। अब देखो मैं इस जगह पे लिख देता इसी को सॉल्व करके फिर से दोबारा, यहाँ पे ये बॉक्स में लिख रहा हूँ मैं, ठीक। बहुत तो आगे पीछे हो गया है लेकिन आप लोग नोट करोगे बाद में समझ में आ जाएगा आपको, एक बार आप लोग प्रॉपर सुनते हुए नोट कर लो, फिर आप लोग फिर दोबारा सुनो और नोट्स को एक बार चेक कर लो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या क्या हुआ है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, म्यू नॉट सॉरी बी इज इक्वल टू क्या बना अपना फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए और यहाँ पे साइन थीटा, और लिमिट क्या रखेंगे बीटा से माइनस अल्फा, सब वैल्यू पुट कर लो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, यहाँ क्या हो जाएगा सबसे पहले साइन बीटा माइनस, पहले क्या करेंगे अपर लिमिट रखेंगे माइनस अल्फा, फिर माइनस साइन बीटा ऐसा रख देंगे। अब यहाँ पे साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा, साइन ये फॉर्मूला याद रखना, साइन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये तो जानते हो सभी लोग, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको हम लोग करेंगे आगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा बी, देख लो यहाँ पे ये माइनस आगे आएगा, दोनों में माइनस कॉमन है, फिर से मैं लिख लेता है पे स्टेप, तो आई बाई ए माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हटा देता रब कर देता तो आपको समझ में आएगा, क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है ना, सभी लोग नोट डाउन कर लेना है ना, मैं सबको मिटा देता फिर आपको प्रॉपर लिख के दिखाता मैं कि क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर से दोबारा मैं लिख देता है यहाँ पर आपको, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या किया हूँ मैं। अब देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला स्टेप है ना, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए बाहर निकाल दिए,
यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा इंटीग्रेशन कर दी, लिमिट रख देंगे क्या चीज, बीटा और माइनस अल्फा, बीटा और माइनस अल्फा, ये भी हमने नोट डाउन कर लिया, इसको हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि तो अपने को फाइनली फॉर्मूला याद करना है अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, है ना। साइन थीटा में सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन अपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे लिखते हैं, ये हो गया ठीक। अब यहाँ देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, है ना, फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन बीटा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। ये सब जरूरत है ही नहीं आपको, आपने लिख लिया है सब कुछ, तो मुझे लिखने का या फिर रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आया, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए माइनस, बाहर निकाल लो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बहुत प्यारा सा इक्वेशन आया, बहुत सिंपल सा इक्वेशन आया। अब देखो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही था वायर, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे ए डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे, ठीक, ये पी पॉइंट पे क्या निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एंगल क्या था अल्फा और ये एंगल क्या था बीटा, दोनों प्लस में है तो फर्क नहीं पड़ता ऊपर अल्फा लेना है या नीचे अल्फा लेना, आप ऊपर नीचे भी चेंज कर दोगे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, कहीं भी कर सकते हो। माइनस का मतलब यहां देखो, इसको देख लेंगे तो इस साइड करंट किधर जा रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये माइनस जो है इनवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ काम कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस जगह पे, ठीक है। ये अपने को मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको याद रहेगा तो काम हो जाएगा, प्रूफ कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन प्रूफ से अपने को ये समझ में आ जाता है कि आखिर कौन कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है, रियलाइजेशन हो जाता है, हम फील कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अदरवाइज है ना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा मेन चीज, लेकिन ये फॉर्मूला अपने को याद रहना इज मस्ट, ठीक है। यदि ये फॉर्मूला यदि याद नहीं आपको तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज, यदि ये वायर इनफिनाइट हो जाए, अभी क्या था फाइनाइट था, फिक्स लेंथ था, आपको दिख रहा था ये, ठीक है, यदि ये इनफिनाइट हो जाता तो क्या होता, यहाँ देखो ध्यान देना आप, यदि ये इनफिनाइट हो जाता बोथ साइड से, दोनों तरफ ये इनफिनाइट जाता वायर है, तो आप देखो तो एंगल बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना, एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इलेक्ट्रोस्टैटिक याद करो उसमें आ जाएगा आपको, तो ये जो वायर है ये एंगल धीरे 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 देखो इस तरीके से बढ़ रहा है, ये एंगल इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, देखो यानी इंक्रीज हो रहा है, ये कहाँ तक चला जाएगा 90 तक, फोर यहाँ पे लिखेंगे, समझ में आ गया होगा ये चीज आपको, तो ये अब यहाँ पे लिखेंगे केसेस, केस वन पहला चीज, इफ वायर इज ऑफ इनफिनाइट लेंथ, इनफिनाइट लेंथ फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स, तो क्या होगा, तब क्या हुआ होगा, तो अल्फा और बीटा दोनों ही क्या ले लेना है अपने को 90 डिग्री, अब देखो तो दोनों 90 डिग्री ले लेंगे तो क्या होगा साइन 90, तो यही मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा उस जगह पे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, मतलब साइन 90 क्या होता है वन, वन प्लस वन टू, तो क्या बन जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए, आप लोग ऐसा कर सकते हो, ये फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10^-7 रख सकते हो, या डायरेक्ट आप सॉल्व करके इसको म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, ऐसे भी बहुत जगह लिखा रहता है इनफिनाइट वायर का, यदि दोनों साइड से इंफिनिटी है तब तब हम ये काम करेंगे, क्लियर हुआ यहाँ तक ये केस आपको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना, एक हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग इनफिनाइट के लिए यूज करेंगे, तो वहां पे हम लोग ये प्रूफ सीखेंगे, ठीक है,
तो ये याद रखना, अभी हम लोग यहीं से कर लिए है ना, तो यहीं से अपने को समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला होगा क्या होगा, यदि फाइनाइट लेंथ का है और अल्फा बीटा दोनों डिफरेंट है तो क्या लेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है ना, और यदि दोनों साइड से इंफिनिटी था और कहीं बीच में चाहे मिड पॉइंट या रैंडम कहीं पे भी, क्योंकि इन्फिनिटी है तो मिड पॉइंट उसमें से ऐसे भी नहीं खोज सकते, यदि बीच में वायर और दोनों साइड से इन्फिनिटी जा रहा है तो अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री लेंगे है ना, यदि एक साइड इन्फिनिटी एक साइड इन्फिनिटी नहीं है तो एक साइड 90 लेंगे और एक साइड अल्फा लेंगे, क्लियर है ये भी, वो भी मैं अभी डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। चलो ये केसेस हो गए, नोट डाउन सभी लोग कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना और वहां से आप लोग सभी लोग नोट डाउन कर लेना ठीक है। नेक्स्ट केस, केस टू, यदि ऐसा केस रहे कि ये वायर है ना, एक साइड तो ये इंफिनिटी जा रहा है लेकिन एक साइड ये फिक्स है और यहाँ पे कहीं पे वायर निकाल रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का एंगल निकालना पड़ेगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा आपका है ना, ये बीटा, तो अल्फा तो कुछ होगा लेकिन बीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री, समझ में आ रहा है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन अल्फा प्लस वन, ठीक है। ये सब फॉर्मूला याद नहीं करना, बस मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या क्या काम है ठीक है, समझ में आया ये बात। ये सेकेंड केस हो गया, एक केस और लेके चलते हैं, यदि ये बाइसेक्टर पॉइंट हुआ तो है ना, इस वायर का बाइसेक्टर पॉइंट हुआ तो, क्या बोला मैंने पॉइंट आपको, केस थ्री, इफ वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, इफ वायर इज ऑफ, ये केसेस नहीं है बस मैं बता रहा हूं आपको अलग अलग तरीका से, इफ वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ एंड पी इज एट एंग एज इज एट बाइसेक्टर ऑफ वायर, मतलब ये वायर है इसके मिड पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर पी है, तो इस केस में क्या होगा, अल्फा और बीटा दोनों सेम होगा, अल्फा और बीटा यही है, यहाँ पे अल्फा और बीटा इक्वल होगा, इसको आप बोल सकते हो इज इक्वल टू कुछ भी बोल दो, फाइव बोल दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन साइन फाइव प्लस साइन फाइव आई बाई ए साइन फाइव प्लस साइन फाइव, ऐसा ही होगा, होगा कि नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो सुन के लिखना, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 साइन फाइव, यही हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देना, वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा ठीक है, क्लियर है ये तीनों केसेस आपको समझ में आया। एक केस और ले लेते हैं हम लोग, यदि मान लेते एक ही साइड पे वायर और दूसरा साइड पे कुछ है ही नहीं, केस फोर, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं, यदि एक वायर है ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स है यहीं पे और यहीं पे निकालना है आपको ये मैग्नेटिक फील्ड, ये ऊपर जा रहा है इंफिनाइट का, या ये ऐसा है मान लेते हैं, यहाँ क्या होगा अल्फा होगा, ये अल्फा है, अल्फा तो है लेकिन बीटा क्या है यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि नीचे कुछ बन ही नहीं रहा एंगल, नीचे एंगल तो बन नहीं रहा है ठीक है, यदि नीचे वायर नहीं है तो नीचे एंगल बनेगा नहीं, तो इस केस में क्या बोलेंगे हम लोग, इस केस में अपना क्या होगा, इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन जीरो डिग्री, क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए साइन अल्फा, बस ये बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, एक साइड इन्फिनिटी होता तो, इन्फिनिटी होता तो अल्फा 90 डिग्री ले लेते, इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 तो वायर इज इन्फिनाइट लेंथ, हमेशा याद रखना इन्फिनाइट लेंथ, तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए, सिंपल सा फॉर्मूला एकदम प्यारा सा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो इस तरीका से ये आपको अप्लीकेशन है अलग अलग, इस तरीका से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैलकुलेट करते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये केसेस। ठीक है, तो आगे हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे। ठीक, तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, अगला जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें हम लोग इसके न्यूमेरिकल को करेंगे। ठीक है, ओके।